जी रोड सड़क चौड़ीकरण कार्य में हो रहे भेदभाव का आरोप लगाते हुए दुर्ग में भाजपा ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। वहीं भाजपा के पदाधिकारियों ने इसके बाद आगे चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। इन दिनों दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत दुर्ग शहर के हृदय स्थल से गुजरने वाले जीई मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुर्ग में चरणबद्ध आंदोलन कर बिना भेदभाव किए बिना सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर शनिवार को दुर्ग के बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के पास पंडाल लगाकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही विरोध जताया गया। लोगों से मंदिर और चर्च को लेकर किए जा रहे भेदभाव रवैये पर अपनी नाराजगी जताते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाकर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत यहां की गई। गौरतलब है कि भाजपा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि नेहरू नगर से पुलगांव चौक तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण के कार्य में भेदभाव पूर्वक कार्य किया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि इसे लेकर आपत्ति जताते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी पहली कड़ी में दुर्ग बस स्टैंड पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए आम जनता का समर्थन मांगा गया। इस संबंध में भाजपा नेता प्रतिपक्ष पूर्व महापौर व पार्षदों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा भाजपा को बोलती है कि हम जाति विशेष को भेदभाव करते हैं, बल्कि पूरा भेदभाव कांग्रेस पार्टी कर रही है। किसी एक विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है, जिसके विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और आगे अगर इन्होंने ये काम बंद नहीं किया तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक, पूरे भारत में अगर कोई स्टेट रोड या नेशनल हाईवे जब रोड बनाया जाता है तो इसी उद्देश्य से बनाया जाता है कि उस शहर की जो आवागमन की सुविधा है वो सही होनी चाहिए। आज इतने करोड़ों रुपए का अगर चौड़ीकरण किया जा रहा है और वो चौड़ा ना हो तो वो छत्तीसगढ़ के लोगों के टैक्स का जो पैसा सरकार निरर्थक भ्रष्टाचार के बहा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी और दुर्ग नगर निगम के पार्षद होने के नाते हम इसे घोर विरोध करते हैं कि इस रोड पे अगर चौड़ीकरण होगा तो सभी धर्मों के लोगों का यहाँ आवागमन होगा, कोई एक विशेष धर्म का नहीं होगा। इस धर्म विशेष को छोड़कर सभी का निर्णय को मान्य कर रोड पर चौड़ीकरण किया जाए। चौक से लेके गुड़गांव चौक तक हमारी जब सरकार थी, जब मैं भी महापौर थी, उस समय नितिन गडकरी का कार्यक्रम चरोदम हुआ था, उस समय 68 करोड़ रुपया घोषणा किए थे और स्वीकृति भी हो चुकी थी। और गुड़गांव चौक से लेके अंजोरा तक 52 करोड़ रुपया भी स्वीकृति थी, परंतु नेहरू नगर चौक से गुड़गांव चौक तक बराबर लेना चाहिए, परंतु कहीं कहीं इसको अनदेखी कर रही है। हम का कहना है, हम सभी का कहना है, सभी समुदाय को बराबर देखें सरकार और सही निर्णय लें। सही निर्णय नहीं लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन करें, क्योंकि जनता भी आज हमारे साथ है। मंदिर बहुत पुरानी मंदिर है, चर्च भी है, तो सभी को लेके करना चाहिए, सभी समुदाय के लिए है, सभी को बराबर समझना चाहिए सरकार। धर्म विशेष की तुष्टिकरण कांग्रेस की मूल व्याख्या है। नेहरू नगर से लेकर पुलगांव चौक तक जो सड़क चौड़ीकरण होना है, यह हनुमान जी का मंदिर जिसे मैं पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ और दुर्ग शहर के तमाम धार्मिक लोगों का आस्था का केंद्र है, इसको हमने हटाना स्वीकार किया है। किंतु विधायक महोदय जी धार्मिक तुष्टिकरण के कारण एक समुदाय विशेष के बाउंड्री वाल को हटाने के लिए मना कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम विकास के नाम पे अपने धार्मिक मुद्दों के साथ समझौता करने का तैयार है। मैं अपनी चीज़ों को मानता हूँ लेकिन अत्याचारों को नहीं सहता हूँ। तुष्टिकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी न कभी की है और न करेगी। हम चाहते हैं विकास समान रूप से हो, सड़क की चौड़ाई सब जगह एक हो। माननीय विधायक अरुण वोरा जी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और इसी का उदाहरण यह कारण है कि यहाँ सड़क कम चौड़ी हो रही है। हमारी मांग है उनसे कि आप इससे बाहर आएं, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें और इस विकास कार्य में अपनी सहभागिता निभाएं। सड़क का चौड़ीकरण शुरू से लेकर अंत तक एक होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक से मांग करता है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।